सर्वोदय नमस्कार स्टूडेंट, आई रोहित कुमार गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथ्स बुक विच इज एन इंटीजर। एज वी ऑल रीड इन प्रीवियस क्लास दैट इंटीजर इज द ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं जीरो के साथ इंटीजर कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है, अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड एन इंटीजर। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हें हम लोग इंटीजर कहते हैं। जैसे यहाँ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, मैंने माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री और इन्फिनिटी। सिंस हमें पता है कि नंबर जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे एंड होता है। और इसके बीच में जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है जीरो के साथ वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे? तो इधर आप लोग देखेंगे एक नंबर लाइन में हम लोग ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि जीरो के लेफ्ट साइड जो होता है, जीरो के लेफ्ट साइड जीरो मिडल में होता है जो कि न्यूट्रल है। जीरो क्या है? न्यूट्रल है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। हमें पता है कि जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड शो करता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड शो करता है, जो हमारा राइट हैंड है राइट हैंड की ओर नंबर लाइन पे राइट हैंड राइट साइड की ओर शो करता है। अब राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। राइट साइड की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, एंड ये एरो मैंने दिखाया जो इन्फिनिटी पे जाके एंड होता है, तो वन टू थ्री फोर फाइव ये सारे कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। और इस साइड अगर जाएंगे लेफ्ट साइड जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर ये लिखते हैं। ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर है। ये क्या है? निगेटिव इंटीजर है और निगेटिव नंबर है। तो डिफिनेशन में मैंने बताया कि जितने भी निगेटिव नंबर है ये सब क्या है? ये सारे जो है वो निगेटिव नंबर, ये सारे जो है वो क्या है? निगेटिव नंबर है। जितने भी निगेटिव नंबर और जितने भी पॉजिटिव नंबर है इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। अब मुझे लगता है कि आप लोग का इंटीजर क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इंटीजर, है ना। हम लोग पहले सब नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड्स एट इनफिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो नंबर जो वन से स्टार्ट होता है, वो सारे नंबर जो वन से स्टार्ट होता है और इनफिनिटी पे एंड होता है उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ने होल नंबर को पढ़ा होगा। होल नंबर क्या? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर है अगर उसमें हम जीरो जीरो से स्टार्ट करें, मतलब कहा जाए कि नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी पे एंड हो, जितने भी नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर के आगे अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं जीरो लिख के, तो वो सारे नंबर जो है वो होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है। नाउ प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो वन से और खुद से डिविजिबल हो। प्राइम नंबर आर दोज नंबर हु व्हिच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर पढ़े थे कि जो नंबर प्राइम नंबर ना हो, यानी जिस नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अब नंबर के बारे में आप लोग को पता होगा, इवन नंबर क्या होता है? जो नंबर टू से डिविजिबल होता है उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर क्या होता है? जो नंबर टू से डिविजिबल नहीं होता उन्हें हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। नंबर के बारे में सबको पता होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़े हैं इंटीजर। इंटीजर के बारे में मैंने बताया जितने भी पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। अब अगर हमसे कंपैरिजन करने को कहा जाएगा किसी दो इंटीजर के बीच में, कंपैरिजन करने को कहा जाएगा, जैसे अगर हमको बोला गया कंपेयर माइनस फोर एंड थ्री, माइनस फोर एंड थ्री, तो जैसे जीरो के हम लोग राइट साइड में बढ़ेंगे, जीरो के राइट साइड में बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? ग्रेटर होते जाएगा।
जैसे हम लोग नंबर लाइन का राइट साइड की ओर बढ़ते हैं तो नंबर नंबर बिकम्स ग्रेटर। अगर नंबर लाइन पे हम लोग राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो नंबर क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। और नंबर लाइन पे हम लोग लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो नंबर बिकम्स स्मॉलर। लेफ्ट साइड की ओर जब बढ़ेंगे तो नंबर क्या होगा, स्मॉलर होते जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम माइनस फोर और थ्री को देखें तो माइनस फोर और थ्री, तो माइनस फोर के राइट साइड में क्या है, थ्री है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि थ्री क्या है, बड़ा है। थ्री क्या है, बड़ा है। उसी तरह अगर हमको दिया गया माइनस टू और माइनस वन के बीच में कंपेरिजन, तो माइनस टू और माइनस वन के में कंपेरिजन करेंगे तो माइनस टू से माइनस वन हम लोग किस साइड जा रहे हैं, राइट साइड। माइनस टू से माइनस वन हम लोग किस साइड गए, राइट साइड। तो जब राइट साइड गए तो माइनस वन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। माइनस वन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम लोग स्मॉलर देन और ग्रेटर देन निकालेंगे, है ना। नाउ वी रीड अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। सर्वोदय, नमस्कार।